वेलकम टू द न्यू ब्लॉग यार। सो अगर आप मुझे थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा अभी मैं भुज में हूँ और भुज से दिल्ली जाने के लिए मैं ले रहा हूँ ट्रेन नंबर 14312। वैसे बात की इस ट्रेन की तो ये भुज से लेकर बरेली तक जाता है, बरेली जो कि आखिरी स्टॉप है इस ट्रेन का। गाइस अपनी छोटी सी जर्नी के लिए हमने स्लीपर क्लास का टिकट लिया है और नंबर 7 ये हमारी सीट होने वाली है। वैसे चलते हैं और देखते हैं आज कौन सा लोकोमोटिव है जो हमें यहाँ से आगे लेके जाएगा। खैर फिलहाल इसमें लगा हुआ है WDP का 4D। तो गाइज हमारी ट्रेन जो है भुज से 3:40 पे निकली थी, अभी टाइम हो रहा है 4:30, ऑलमोस्ट 40 मिनट हो चुके हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अभी हमारे कोच में नहीं है। मैंने 139 पे कॉल भी करी, कंप्लेंट करी, वो कह रहे रजिस्टर कर लिया है, आप थोड़ा सा वेट कर लो। एंड उन्होंने बोला विल ट्राई टू असिस्ट यू सून एज पॉसिबल। तो वेट करते हैं और ये देखो कोई फैन वैन कुछ नहीं चल रहा है, अभी लाइट चल रही है, ये सारे स्विचेज ऑन है, ऑन ऑफ करके देख लो। Nothing is working. So guys, time हो रहा है 4:53। तो अपने टाइम से करीबन 2 मिनट पहले हम गांधीधाम पहुंच चुके हैं। हमारा टाइम 4:55 का था, हम 4:53 पे गांधीधाम पहुंच चुके हैं। वेट करते हैं उनका जो आने वाले थे हमारे कोच में एक्चुअली फिक्स करने के लिए। जैसे गाइस गांधीधाम पे हमारा जो स्टॉप है करीबन 20 मिनट का है, बिकॉज यहाँ पे हमारे इंजन रिवर्स होंगे। अब इंजन इस साइड की जगह यहाँ पे लगाए जाएंगे और हमारी गाड़ी रिवर्स चलेगी। और ये देखो यहाँ पे आ रही है हमारी WDP 4D जो कि उस तरफ से निकल के अब इस तरफ जा रही है और हमारे इंजन अब इस तरफ लगेगा, यानी कि अब ट्रेन इस तरफ जाएगी। वैसे ये जो लाइन है गांधीधाम से पालमपुर के बीच, ये करीबन 304 किलोमीटर की लाइन है और अभी हम 304 किलोमीटर ट्रेवल करके पालमपुर तक जाएंगे। वैसे जैसा मैंने बताया अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं गांधीधाम पालमपुर की लाइन के बीच। उसके अलावा यहाँ पे 3 और मेजर लाइंस हैं जो कि गांधीधाम भुज है जिससे हम अभी आ रहे हैं। इसके अलावा गांधीधाम अहमदाबाद लाइन भी है और यहाँ पे गांधीधाम कंडाला पोर्ट सेक्शन भी है। अच्छी बात, इंजीनियर्स आ चुके हैं करीब 4-5, वो अपना काम में लगे पड़े हैं। सो उन्हें अपना काम करने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि लाइट ठीक हो जाएगी। अरे वाह, चलो लाइट भी आई गई, चेक करते हैं एक बार। वैसे रेलवे ने अपना 139 जो नंबर है इसीलिए स्टार्ट किया है, ये एक सर्विस है कंप्लेन करने के लिए, फिर इंक्वायरी करने के लिए। जब भी आप ट्रेन में ट्रेवल करें, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप 139 पे कॉल करें, चाहे वो ट्रेन में गंदगी की समस्या हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ना होने की समस्या हो, हर टाइप की सुविधा जो है रेलवे प्रोवाइड करती है। सो इट्स अ नाइस इनिशिएटिव बाय IRCTC की एक हेल्पलाइन नंबर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर है 139। हेलो, जी हो गया ठीक, आगे लाइट ठीक है, शुक्रिया आपकी मदद के लिए। सुबह इस गांधीधाम से अब निकल चुके हैं और यहाँ से जो हमारी लाइन है वो लाइन चेंज होगी। यहाँ से हम चले गांधीधाम से पालमपुर के लाइन के बीच, जो करीब 305 किलोमीटर की लाइन है। गाइस जो लाइन वहाँ पे घूम गई है वही लाइन है जो कि गांधीधाम भुज के बीच की लाइन है और हम अभी सीधी लाइन पे निकल रहे हैं जो कि गांधीधाम से पालमपुर के बीच की लाइन है।
सुबह शाम के बज रहे हैं 8:10 और हम पहुंचे धागंद्रा रेलवे स्टेशन, जहां का स्टेशन को DHG है और यहां पे कुल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। खैर यहां पे केवल 2 मिनट का स्टॉप है, जिसके वजह से हमारी ट्रेन जो है वो निकलने वाली है। तो चलते हैं, ट्रेन बोर्ड करते हैं। सो गाइस, अभी हमने पार किया धागंद्रा रेलवे स्टेशन और फिलहाल हो चुकी है रात, और रात में क्या ही रिकॉर्ड करूंगा मैं, नींद भी बहुत आ रही है। सोच रहा हूँ सो जाऊँ थोड़ी देर में, अगर कुछ खाने के लिए जुगाड़ बनेगा तो आपसे मिलते हैं, वरना सीधे मिलता आपसे सुबह। गाइस भूख तो लगी थी तो मैंने लिया है डिनर, ये देखो जो मुझे 130 रुपये 130 का पड़ा है, जिसके अंदर आपको चावल मिलता है, आपको कढ़ी मिलती है, साथ में ये एक सब्जी है आलू की, ये सब्जी है मटर पनीर की, ये 2-3 रोटियां हैं शायद, एक अचार है और एक चम्मच है। ये है मटर पनीर, पनीर का साइज देखो। ये है आलू मटर और रोटी, बहुत ज़रा ऑयली सा फील हो रहा है, बट जो है यही है, ख़त्म करते हैं खाना। डिनर हो गया हमारा फिनिश, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, पूरा सपा चट कर दिया, पूरा पैक कर दिया इसको वापस करने के लिए और उसको पैसे लेने के लिए। गाइस गुड मॉर्निंग यार, और अभी हम पहुंचे अजमेर जंक्शन, और इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ देने वाला था लेकिन मुझे कुछ पता है नहीं, और जो इंटरनेट सुविधाएं हैं वो यहां बंद रखी है करीबन कल रात को 12 बजे से। इट्स वेरी सैड टू नो यार कि 2 मुस्लिम लोगों ने हिंदी को गला काट दिया, जिसकी वजह से जो इंटरनेट सुविधाएं हैं पूरे राज्य के अंदर बंद कर दी गई है। एंड गाइस शी इज द वन, जो लोग बिना इंटरनेट के जी रहे हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। मैं यहाँ पे बहुत देर से बैठी थी ना, बस दो चाय, एक और चाय दे दो। बस इंडिया गाइस, ये लड़की है हाँ। जो पूरी रात से यहाँ पे खड़ी थी, तो शुक्रिया यहाँ पे खड़े होने के लिए। इसको मैं ब्लर कर दूंगा, ठीक है? इसको मैं ब्लर कर दूंगा। सो अभी हम अजमेर से निकल रहे हैं, बाय बोलते हैं इसको, सी यू सून, बस भाग मत। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं फुलेरा रेलवे स्टेशन, और ये स्टेशन भी राजस्थान के अंदर आता है, यानी कि यहाँ भी इंटरनेट सुविधाएं जो है बंद हो रखी है। आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी, आई डू नॉट बिलीव इन रिलीजन, दैट डजंट मीन कि मैं उसको ना ही करता हूँ, रिलीजन है अच्छी बात है, पर रिलीजन के नाम पर किसी को मारना या किसी का कत्ल करना बिल्कुल सही नहीं है, दैट्स माई ओपिनियन। खैर फुलेरा से जो एक लाइन है वो संभर की तरफ जाती है, जहाँ पर बहुत सारे सॉल्ट लेक्स हैं और जहाँ पर नमक बनाने काम किया जाता है। मतलब मेरा मन तो बहुत है कि मैं जाऊं और देखूं, उसे एक्सपीरियंस करूं, पर टाइम की पाबंदी, क्योंकि दिल्ली पहुंचना है, बिकॉज शाम को मेरा ऑफिस भी है तो काम भी करना है, ट्रैवल करने के पैसे चाहिए ना, पैसा ऑफिस से ही आता काम करके, तो वहां भी जाना ज़रूरी है। सुबह इस रेलवे स्टेशन में कुछ मिला नहीं, भूख लग रही थी, ब्रेकफास्ट नहीं किया, सो वहां कुछ नहीं मिला तो यहीं समोसे ले लिया, टेस्ट करते हैं, सही लग रहा है वैसे तो। ठंडा जल, ठंडा जल। So guys, that's so nice, फ्री जल सेवा और फ्री में पानी भरे, ठंडा पानी, सो हमने भरवा लिया अलवर जंक्शन पे।